कश्मीर पर तैमद फाड़ने पर उतारू पाकिस्तान को अब जाकर अमेरिका से कड़ी नसीहत मिली है। अमेरिका की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब पिछले पौने दो माह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपने सिर पर उठाने की कोशिश की है। कश्मीर की चिंता में पगलाए पाकिस्तान को अमेरिका ने कड़े शब्दों में कहा है कि वह कश्मीर को छोड़कर चीन में हिरासत में रह रहे मुसलमानों की फिक्र करे। यदि पाकिस्तान इस मामले में आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। यह सलाह किसी सामान्य अमरीकी की नहीं है बल्कि अमरीका की दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की मंत्री एलिस जी वेल्स ने दी है। वेल्स ने कहा है कि चीन में मुस्लिमों की हालत काफी बदतर है, उन्हें नजरबंदी शिविरों में रखा जा रहा है, लेकिन खुद को मुसलमानों के हितैषी कहने वाले पाकिस्तान को उनकी कोई चिंता नहीं है। वेल्स ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर से पहले चीन के मुसलमानों की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन वहीं पर ज्यादा हो रहा है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन चीन द्वारा उइगरों के नजरबंदी शिविरों में यात्रा का मामला भी उठा चुका है। पर मामला केवल इतना नहीं है, पिछले बीते दिनों में जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई बड़ा बयान नहीं मिला तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट आवारा पशुओं की तरह घूमने लगे। बताया जाता है ऐसे ही फंटर पाकिस्तानियों का एक शिष्टमंडल एलिस जी वेल्स से मिला था। यह मुलाकात बेहद गोपनीय रखने का प्रयास पाकिस्तानियों ने किया था। यह लोग चाहते थे कि ट्रंप से ऐसा कोई बयान दिलवाया जाए जिससे प्रधानमंत्री इमरान खान वहां जाकर अपनी जनता को संतुष्ट कर सके, साथ ही उनके खिलाफ उठ रहे विरोध के सुरों पर भी विराम लग सके। कहा जाता है उसके बाद भी ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर संयत बयान ही दिया। एलिस जी वेल्स के रूप में पाकिस्तान उन्हें अपने शुभचिंतक के रूप में देख रहा था, मगर अब उन्होंने जिस प्रकार पाकिस्तान को लताड़ लगाई है उससे पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा है। खास बात यह है कि वेल्स का यह वक्तव्य उस वक्त आया है जबकि आज रात 8 बजे बाद पाक प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर UNGA में भौंकने वाले हैं। दरअसल चीन के पश्चिम प्रांत शिनजियांग में चीनी प्रशासन और यहाँ के स्थानीय उइगर या विगर जनजातीय समुदाय के बीच संघर्ष का बहुत पुराना इतिहास है। विगर मुसलमान खुद को सांस्कृतिक और जनजातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के नजदीकी मानते हैं। यहाँ के कासगर जैसे कस्बे प्रसिद्ध सिल्क रूट के बहुत संपर्क केंद्र रहे हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विगरों ने थोड़े समय के लिए खुद को आजाद घोषित कर दिया था। इस इलाके पर कम्युनिस्ट चीन ने 1949 में पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन पिछले एक दशक से चीनी प्रशासन ने उइगरों पर बेहद सख्त रवैया अपना रखा है। उनके धार्मिक रीति रिवाजों पर पूरी तरह रोक है, साथ ही उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों ने अब चीन की हरकत को संज्ञान में लिया है। बड़ी बात यह है फंटर पाकिस्तान का तो चीन के विरुद्ध बोलने का साहस तक नहीं है, पर अन्य इस्लामिक देश इसलिए चुप हैं क्योंकि वह चीन की नजर में बुरा नहीं बनना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों की तो अर्थव्यवस्था ही चीन के सारे चल रही है, इसके अलावा बाकी के इस्लामिक देशों के चीन से व्यापारिक संबंध है। कमाल की बात यह है कि ये देश इस बात का तर्क दे रहे हैं कि ये चीन के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते हैं, पर पाकिस्तान कश्मीर के मुसलमानों की बात करके अब कई देशों के निशाने पर है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन से भी पाकिस्तान को नसीहत दी गई है कि वह उसके पड़ोस में उइगरों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाए। हालत यह है कि पाकिस्तान केवल कश्मीर मुद्दे पर ही नहीं फंसा है, वो अपनी लंबरदारी के चक्कर में और भी अधिक घिर गया है। यानी गया था नमाज पढ़ने, रोजों की लिस्ट गले में डालकर लौटा है। यह आवाज अब तक पश्चिमी देशों से ही उठी है, लेकिन मुमकिन है कुछ अन्य इस्लामिक देश भी पाकिस्तान की नेतागिरी को और उभारने की कोशिश करें। पर पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह भारत के मामलों में बोलकर तो एक बार भी बच सकता है, पर चीन उसकी नेतागिरी के पिछवाड़े पर किस तरह का नस्तर जड़ेगा उससे पाकिस्तान भली भांति वाकिफ है। पिछले दिनों अल जजीरा टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में उइगरों को लेकर इमरान खान से सवाल पूछा गया था तो इस जनाब के मुंह से बोल तक नहीं फूटा। इसका कहना है कि उन्हें उइगरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी तब है जबकि खुद पाकिस्तानी मदरसों में तालीम लेने आए उइगर छात्र अपनी आप बीती पाकिस्तानी मीडिया को बता चुके हैं। अमेरिका की मंत्री एलिस जी वेल्स ने एक प्रकार से भारत का पक्ष लेते हुए पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने की कोशिश की है। उनका मतलब यह है कि उन्हें कश्मीर से ज्यादा चीन के उइगरों की चिंता है।
मगर यह बेशरम देश जो खुद को मुसलमानों का हितैषी कहता है अपने ही देश के मुसलमानों पर हवाई वार करता रहा है, वह दूसरे देशों के मुसलमानों का शुभचिंतक कैसे हो सकता है? यह वो मांसाहारी गिदड़ है जो शाकाहार के प्रवचन देकर खुद को दूध का दूल्हा साबित करना चाहता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।